बधाई हो राजकुमारी। वसुंधरा किस बात की बधाई दे रही हो? अब इतनी भी अनजान ना बनो राजकुमारी। मैं कुछ समझी नहीं। स्वयंवर में किसका चयन कर रही हो? हमें भी तो पता चले। स्वयंवर? किसका स्वयंवर? कैसा स्वयंवर? यदि आप अपना आनंद हम सखियों के बीच बांटना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, किंतु हम आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। चंबर से लेकर ससुराल तक भी पहुंचाने हम ही जाएंगे। मैं सत्य कह रही हूँ, मैं स्वयंवर के विषय में कुछ नहीं जानती। किंतु हम तो सब कुछ जानते हैं राजकुमारी। क्या स्वयंवर के बाद हम सखियाँ दूर दूर हो जाएंगी? आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, यदि आप वास्तव में हमें अपनी सखी मानती हैं, तो अपने स्वयंवर के साथ साथ हमारी भी कुछ व्यवस्था करवा दीजिए। ये हास्य विनोद अब बहुत हो गया। पहले ये बताओ कि तुम्हें ये बातें बताई किसने? हमें कौन बताएगा, ये बात महल का हर एक व्यक्ति जानता है। दास दासियाँ, सेवक सेविकाएं, यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी भी जानते हैं कि हमारी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। मुझे तो तुम दोनों की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मन ही मन तो हमारी बात पर विश्वास करके उत्साहित हो रही है और हमें ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे स्वयंवर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। महारानी शत्रुपा ने महामंत्री जी से परामर्श करके आपके स्वयंवर का आयोजन किया है। महारानी जी ने महामंत्री से परामर्श किया? महाराज ने क्या कहा? आपके स्वयंवर को महाराज की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। तुम दोनों की कपोल कल्पनाएं समाप्त हुई कि नहीं? ये कपोल कल्पना नहीं है राजकुमारी, ये सत्य है। जब तक पिताश्री अंतिम निर्णय नहीं लेते, तुम दोनों इन बातों से दूर ही रहना। अपनी प्रिय सखी के स्वयंवर का समाचार सुनकर हम दूर कैसे रहे? हम सखियों से कैसी लज्जा राजकुमारी, हमें तो अपने मन की बात बता ही दो। तुम व्यर्थ की बातों में मेरा समय नष्ट कर रही हो। मुझे स्वयंवर के विषय में तनिक भी रुचि नहीं है। राजकुमारी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिले? क्या तुमने सपनों में अपना कोई राजकुमार नहीं देखा? नहीं, मेरे लिए तो मेरे आराध्य भगवान नारायण की इच्छा ही सर्वोपरि है। भविष्य के सपने देखकर मैं उनकी इच्छा का अपमान नहीं कर सकती। भाग्य में जो भी लिखा है उसकी लेखनी तो मेरे नारायण के हाथों में ही है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नारायण। ये तो ऋषि कर्दम, चतुर्मास के इस समय इतनी कठोर तपस्या की क्या आवश्यकता। नारायण नारायण। ऋषिवर की तपस्या में व्यवधान डालना उचित नहीं है। इस तपस्या का रहस्य जानने के लिए वैकुंठ लोक चलना होगा। नारायण नारायण। नमो नारायण। श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। देवऋषि, लंबे समय तक वैकुंठ लोक न आकर आपने ये सिद्ध कर दिया कि नारायण का जप करने से भक्त को भगवान से मिलने का संतोष प्राप्त हो जाता है। उसके लिए भगवान के दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। नारायण नारायण। महाप्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। सत्य तो यह है कि मैं ये सोचकर वैकुंठ लोक नहीं आता था कि मेरे कारण आपकी योग निद्रा असमय भंग न हो जाए और आपको कष्ट न हो, इसलिए मैं अपने मन को समझा लेता था। तो क्या आज आप अपने मन को समझाने में सफल नहीं हुए देवऋषि? ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि आपको अपने ही मन से पराजित होना पड़ा? अवश्य ही किसी प्रश्न की तीव्र जिज्ञासा आपको यहाँ खींच लाई है। प्रभु, मैं अपनी भूल की क्षमा याचना पहले ही कर चुका हूँ,
कृपया आप भी मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दें। लोक कल्याण का जो महायज्ञ आपने प्रारंभ कर रखा है उससे हम अनजान नहीं है देवऋषि। मैं तो आपकी भावना से भी परिचित हूँ। कहिए क्या प्रश्न लेकर आए हैं देवऋषि? हे देव देवेश्वर, आपसे किसके मन की बात छिपी है? मैं आपके मन की बात और आपके प्रश्न को भी जानता हूँ, परंतु देवऋषि आप अपने प्रश्न को स्वर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? प्रभु, मैं ब्रह्मलोक से वैकुंठ की ओर आ रहा था। मार्ग में एक युवा ऋषि की कठोर तपस्या देखकर मेरे मन में प्रश्नों का महासागर उमड़ पड़ा। देवऋषि, हर प्रश्न के भीतर ही उसका उत्तर छुपा रहता है। आप जिस प्रश्न को लेकर वैकुंठ आए हैं उसका उत्तर उसी में खोजने का प्रयास करें। नारायण नारायण, प्रश्न में ही उत्तर? हाँ देवऋषि, खोजने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है महाप्रभु। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे संकेत दिया था कि आपका आगामी अवतार किसी ऋषि के आश्रम में होगा। ब्रह्म वाक्य अटल होता है देवऋषि, भविष्य में होने वाली घटनाएं भी ब्रह्म वाक्य पर आधारित होकर ही चलती हैं। अर्थात प्रभु, आपका भावी अवतार युवा ऋषि? आप अपनी गुत्थी सुलझाने के लिए स्वतंत्र हैं देवऋषि, परंतु मैं इस समय भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत आपको नहीं दे सकता। आपको इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। हे भक्त वत्सल, मैं आपसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि जिस आश्रम में आपका भावी अवतार होगा वो आश्रम किस महान महर्षि का होगा, और आपके भावी अवतार को जन्म देने वाली माता कौन होगी? तर्क शास्त्र में एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर कई बार पूछने की कला को बहुआयामी प्रतिभा कहा जाता है, जिसमें आप पारंगत हैं देवऋषि। नारायण नारायण। देवऋषि, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देकर भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रभावित नहीं कर सकते। महाप्रभु, क्या आपके द्वार पर आया हुआ यह याचक आज निराश लौट जाएगा? महाप्रभु कुछ तो संकेत दें। इस समय हम आपको इतना ही संकेत दे पाएंगे देवऋषि कि हमारे होने वाले अवतार का संबंध महाराज मनु की एक संतान से है। इससे अधिक जानने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। देव देवेश्वर भगवान के भावी अवतार का संबंध महाराज मनु की संतान से? नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण। महारानी, महारानी शत्रुपा, क्या हमारी पुत्री राजकुमारी देवहूति के स्वयंवर आयोजन का परामर्श आपने महामंत्री प्रेसेन जी को दिया था? क्षमा करें महाराज, मैंने तो महामंत्री जी को केवल स्वयंवर की संभावनाओं का पता लगाने को कहा था। तो स्वयंवर का निर्णय किसने लिया? स्वामी, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुकी हूँ कि हमारी पुत्री देवहूति विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए। महारानी, हमें अपनी पुत्री के विषय में पूरी जानकारी है। प्रश्न उसके विवाह के योग्य हो जाने का नहीं है, प्रश्न है स्वयंवर के आयोजन का। महामंत्री प्रसन्न जी। जी महाराज। आज्ञा महाराज। महामंत्री, क्या यह उचित नहीं होता कि स्वयंवर के आयोजन का प्रारंभ करने से पूर्व आप हमसे परामर्श कर लेते? ये मेरी भूल थी महाराज, मैं इस भूल के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। महामंत्री, जीवन में ऐसे अवसरों से सदा बचने का प्रयास करना चाहिए जिनमें क्षमा याचना की संभावना हो।
महाराज, मैंने सोचा महारानी ने आपसे परामर्श करके ही मुझे आदेश दिया होगा। हमारी प्रिय राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित होगा, इसी उत्साह में मैं शीघ्रता से व्यवस्था में लग गया महाराज। अर्थात राजकुमारी देवहूति के स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए आपने राजपुरुषों को निमंत्रण भेज दिया है। जी महाराज, आपके पास इस बात की भी सूचना होगी कि हमारे राजदूत किन किन देशों में निमंत्रण लेकर गए हैं। अवश्य महाराज, हमारे पास राजदूतों की पूरी सूचना है। कुछ तो निमंत्रण लेकर चले गए और कुछ जिन्हें रोका जा सकता है उन्हें रोक दीजिए और हमारे आदेश की प्रतीक्षा कीजिए महामंत्री। जो आज्ञा महाराज। हाँ। महाराज का इस प्रकार अनायास क्रोधित होना हमारी समझ से तो परे है। प्रभु के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी हो हमारी पुत्री के भले के लिए। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भव पुत्री, आज हमारी पुत्री किन विचारों में खोई हुई है? कुछ नहीं पिताश्री, बस यूं ही। कुछ तो है पुत्री, अवश्य ही तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो। नहीं पिताश्री नहीं, मैं तनिक भी चिंतित नहीं हूँ। देवहूति, क्या तुम्हें तुम्हारे लिए आयोजित होने वाले स्वयंवर का समाचार मिल चुका है? देवहूति, हमें खेद है कि महारानी शत्रुपा ने बिना हमारे परामर्श और बिना तुम्हारी सहमति के इस स्वयंवर के आयोजन का आदेश महामंत्री प्रसेनजीत को दे दिया। आप खेद न करें पिताश्री, हम मनुवंशियों पर देव देवेश्वर भगवान नारायण सदा ही कृपालु रहे हैं। जो कुछ भी होगा उन्हीं की इच्छा से होगा। देवहूति, तुम्हारे विचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया। महाप्रभु की कृपा के कारण नव सृष्टि में प्रथम मानव बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
अब मेरा कर्तव्य है कि अपने कर्मों से संसार को आदर्श की शिक्षा दूं। अवश्य पिताश्री, ये संसार तो आप ही के पद चिन्हों पर आगे बढ़ेगा। किंतु देवहूति, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम अपने स्वयंवर से सहमत हो? मेरा क्या है पिताश्री, यदि आप और माताश्री सहमत है तो मैं भी। प्रश्न तुम्हारी सहमति का है राजकुमार। मनुवंश में स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त है। यदि पुरुष शरीर है तो स्त्री आत्मा है, यदि पुरुष सागर है तो स्त्री लहर, दोनों में परस्पर कोई भेद नहीं। देवहूति, तुम निसंकोच होकर अपनी बात कहो। पिताश्री, माता पिता की आज्ञा और इच्छा ही मेरे लिए सबसे अधिक है। देवहूति, तुम्हारे जैसी संतान पाकर किसी भी माता पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। किंतु देवहूति, हम मानवों में विवाह एक अनिवार्य परंपरा है। इसे परंपरा कहना भी पर्याप्त न होगा, ये तो दो आत्माओं का मिलन है। मिलन यहाँ होता है, स्वीकृति वहां से मिलती है। पिताश्री, आप और माताश्री मेरे हित में जो भी निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धैर्य की प्रतिमूर्ति हो, किंतु मैं ये भी जानता हूँ कि हर कन्या के मन में अपने विवाह को लेकर कुछ सपने होते हैं, कुछ कल्पनाएं होती हैं। यदि तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो मुझे निसंकोच कहो पुत्री। मेरे मन में तो मेरे आराध्य भगवान नारायण ही है पिताश्री। और अपनी बात को निसंकोच कहो देवहूति। मेरा इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि हमारे आराध्य भगवान नारायण ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे लिए सर्वोत्तम वर का चयन कर लिया होगा। हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। परंतु हमें उनकी इच्छा का ज्ञान कैसे होगा? हो सकता है कि स्वयंवर के आयोजन का विचार भी उन्हीं की इच्छा से जन्मा हो। ये भी तो हो सकता है पिताश्री कि स्वयंवर स्थगित भी उन्हीं की इच्छा से हुआ हो। मेरा मन कहता है पिताश्री कि हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए। उचित समय आने पर हमें भगवान नारायण की कृपा का संकेत अवश्य मिल जाएगा। मैं तुम्हारे विश्वास का आदर करता हूँ पुत्री। अब जब तक हमें पर्याप्त संकेत नहीं मिल जाता, हम स्वयंवर का आयोजन नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। सदा सुखी रहो पुत्री। प्रणाम पिताश्री। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। अपनी तपस्या को विराम दे ऋषि कर्दम। देवेश्वर भगवान नारायण, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे, पर आपके दर्शनों का सौभाग्य इतना शीघ्र प्राप्त होगा ये नहीं जानता था मैं। ऋषिवर कर्दम, जो भक्त आत्म संयम से मेरी तपस्या करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। आपने जिस प्रकार मेरी कठोर तपस्या की है उससे प्रसन्न होकर मैं उचित अवसर पर ही आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। उचित अवसर पर? उचित समय सुनकर चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। आपने जिस उद्देश्य से मेरी कठोर आराधना की है उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। आपको अब गृहस्थ आश्रम में जाना होगा। नहीं महाप्रभु, मेरे जीवन का परम उद्देश्य
आपके श्री चरणों में समर्पित होना है, आपकी अनंत महिमा का गुणगान करना, आपकी भक्ति में अपना सर्वस्व लुटा देना। महाप्रभु, मैं इस घर गृहस्थी के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता। गृहस्थ आश्रम कोई प्रपंच नहीं है ऋषिवर, आप तो परम विद्वान हैं, भली भांति जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ऋषिवर, भक्ति का कठिन मार्ग भी मेरी इच्छा के कारण गृहस्थों के लिए सरल हो जाता है। मेरे लिए तो आपकी कृपा के कारण ब्रह्मचर्य का जीवन सरल हो गया है। संसार में जिनके दर्शन करना सबसे अधिक दुर्लभ है, वे आज मेरे सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए स्वयं मेरे सामने हैं। कर्दम ऋषि, क्या आप नहीं चाहते कि आपके वंश की वृद्धि हो? आपका कुल आपके नाम के समान अनंत कालों तक अमर रहे? बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए ये सब कैसे संभव होगा? महाप्रभु, आपके दर्शन हुए मेरी तपस्या सफल हो गई, अब मुझे आपकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। विधाता का ये विधान पूर्व निश्चित है ऋषिवर, इच्छा होने पर भी आप इस होनी को टाल नहीं पाएंगे। महाप्रभु, विधाता भी आप हैं, विधान भी आप हैं, नियति भी आप हैं और होनी भी आप। मैं समझ गया, आप स्वयं ही मुझे गृहस्थ आश्रम में भेजना चाहते हैं। मैं आपकी इच्छा से मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ? आप जो आज्ञा देंगे वो मुझे स्वीकार है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो ऋषिवर, शीघ्र ही तुम्हारा विवाह होगा और तुम 9 सौभाग्यवती कन्याओं के पिता बनोगे। 9 कन्याओं का पिता? संकोच ना करो ऋषिवर, अपनी बात कहो। महाप्रभु, कन्या तो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, किसी भी वंश में उनका होना परम आवश्यक है, परंतु कन्याओं का उत्तरदायित्व तो होता है। ऋषिवर, कन्या का जन्म बड़े भाग्य से होता है। संसार में अन्नदान, पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान और गौदान, ये सभी सर्वश्रेष्ठ दान हैं, परंतु कन्यादान इन सभी से श्रेष्ठ है। एक सुशील कन्या का वस्त्राभूषणों सहित दान करने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कन्याएं तो मेरा सौभाग्य ही बढ़ाएंगे महाप्रभु, परंतु एक वंश चलाने वाला, मोक्ष प्रदान कराने वाला, नरक से उद्धार कराने वाला, आपके समान एक पुत्र भी हो जाता। ऋषिवर, हम यहाँ आए तो थे पिता बनकर आपको वरदान देने, परंतु आपने तो हमें पुत्र बना दिया। मैं कुछ समझा नहीं देव देवेश्वर। आप तो जानते हैं ऋषिवर कि मेरे भक्तों के मुख से भूल से कुछ बात निकल जाए तो मैं उसे किसी भी मूल्य पर पूरा करता हूँ। आपने कहा मेरे समान, मेरे समान तो मैं ही हूँ। अब मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आ जाता हूँ। धन्य हो महाप्रभु, धन्य हो, अहो भाग्य, वो जैसे साधारण व्यक्ति को आपने इतना बड़ा सम्मान दिया। आप धन्य हो महाप्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। ऋषिवर, अब हमारे अवतार का समय निकट आ पहुंचा है, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि हमारी प्रिय पुत्री राजकुमारी देवहूति ने अपने विवाह के लिए आपके कृपा संकेत तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है। हे महाप्रभु, हमें आपकी इच्छा का संकेत कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा? क्या हमारी प्रिय पुत्री देवहूति को अपने विवाह के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रभु?
स्वामी, मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। क्षमा? किस बात की क्षमा महारानी? देवहूति के महारानी, महामंत्री को स्वयंवर का आदेश देकर आपने उचित ही किया था। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं महारानी। यदि ये सत्य है तो आपने महामंत्री को रोका क्यों? महारानी, हमने महामंत्री को इसलिए रोक दिया था कि स्वयंवर का निर्णय करने से पहले हम अपनी पुत्री की इच्छा जानना चाहते थे। कन्या की इच्छा जाने बिना उसके विवाह का आयोजन करना अनुचित है महारानी। तो क्या आपने देवहूति की इच्छा को जानने का प्रयास किया है? हाँ महारानी, हमारी पुत्री देवहूति भी भगवान नारायण की इच्छा को सर्वोपरि मानती है। उनका कहना है कि हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस स्थिति में हम कुछ और समय प्रतीक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारी भूल के कारण जिन राजपुरुषों को स्वयंवर में आने के लिए निमंत्रण भेजा जा चुका है, उन्हें आने से हम कैसे रोक सकते हैं? महारानी, यही हमारी चिंता का मुख्य कारण है। राजपुरुषों को भेजा गया स्वयंवर निमंत्रण हमारे वचन के समान अटल है, होते हुए भी हम उसे लौटा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपने वंश की महान परंपरा को निभाते हुए हमें राजपुरुषों से क्षमा याचना करनी होगी और उनसे निवेदन करना होगा कि वे स्वयंवर के आयोजन तक प्रतीक्षा करें। किंतु क्या हमारी क्षमा प्रार्थना से? मैं जानता हूँ महारानी, मैं जानता हूँ ये सब इतना सरल नहीं है। दूर देश से स्वयंवर के लिए आए हुए राजपुरुष इस विषय को विवाद भी बना सकते हैं। बस यही हमारी चिंता का मुख्य कारण है। परंतु हमें अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है। वे जो कुछ भी करेंगे उसी में सबका कल्याण होगा। हाँ महारानी, उसी में सबका कल्याण होगा। राजकुमारी जी, वसुंधरा, इतनी रातें मेरे कक्ष में? हाँ राजकुमारी जी, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी कौन सी बात है? सौभद्र देश के राजकुमार प्रद्योत सिंह आपसे भेंट करना चाहते हैं, यदि आप अनुमति दें तो। मुझसे भेंट का कारण? उन्हें आपके स्वयंवर का समाचार मिला था जिसके कारण वे यहाँ पधारे हैं। तुमने उन्हें बताया नहीं कि हमारा स्वयंवर स्थगित हो गया है? मैंने उनसे निवेदन किया था किंतु वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। तुमने क्या सोचा कि उनके चाहने भर से हम उनसे भेंट कर लेंगे? मैं तो केवल उनका निवेदन आप तक पहुंचाने आई थी। दूर देश से यात्रा करके वे आपके स्वयंवर में भाग लेने आए थे। स्वयंवर के स्थगित हो जाने का समाचार सुनकर उन्हें दुख हुआ है, हमें उनसे खेद तो प्रकट करना ही चाहिए। आप ऐसे क्या देख रही हैं राजकुमारी? देख नहीं रही हूँ, अभी तो तुम्हारी वाणी में राजकुमार प्रद्योत सेन के प्रति सहानुभूति का कारण खोज रही हूँ। उसका कारण मात्र इतना है राजकुमारी कि स्वयंवर के स्थगित हो जाने का समाचार सुनकर उन्हें दुख हुआ है। ऐसी स्थिति में तुम्हें कुमार की भेंट पिता महाराज से करवानी चाहिए थी। वसुंधरा, उन्हें आदर सहित अतिथिशाला में ठहराओ, कल प्रातः पिता महाराज स्वयं उनसे भेंट करेंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमार, आप कृपा करके अतिथिशाला में पधारें। क्या राजकुमारी से हमारी भेंट अतिथिशाला में होगी? नहीं राजकुमार, राजकुमारी जी ने निवेदन किया है कि प्रातःकाल महाराज स्वयं आपसे भेंट करेंगे। हम महाराज से नहीं, राजकुमारी देवहूति से भेंट करने आए हैं। इस समय राजकुमारी जी से भेंट करना संभव नहीं है राजकुमार। परंतु मेरा राजकुमारी से मिलना परम आवश्यक है। प्रातःकाल यदि महाराज की इच्छा होगी
तो अवश्य आप राजकुमारी जी से भेंट कर सकते हैं। जब स्वयंवर ही स्थगित हो गया है तो महाराज से मिलने की क्या आवश्यकता है? मैं तो इसी समय अपने सौभद्र देश लौट जाना चाहता हूँ। आपके इस तरह लौट जाने से हम सभी को बहुत कष्ट होगा। आप कृपा करके अतिथिशाला में विश्राम करें। प्रातःकाल महाराज से भेंट करने के उपरांत ही। देवी, आप बार बार एक ही बात क्यों कह रही हैं? मुझे महाराज से नहीं, राजकुमारी से मिलना है। मैं राजकुमारी जी के निर्णय का निवेदन आपसे कर चुकी हूँ कुमार। देवी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वसुंधरा। वसुंधरा, मैं अधिक समय तक यहाँ रुककर किसी की असुविधा का कारण नहीं बन सकता। मैं जानता हूँ कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण राजकुमारी का स्वयंवर स्थगित हुआ होगा। जी। उन परिस्थितियों से राजमहल भी अछूता नहीं होगा। मेरे यहाँ रुकने से कोई व्यर्थ का विवाद जन्म ले, किसी के मन को कष्ट पहुंचे, ये उचित नहीं। मैं क्षमा चाहती हूँ कुमार, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। क्या मुझ पर तुम इतना उपकार नहीं कर सकती वसुंधरा? क्या मेरा निवेदन व्यर्थ जाएगा? नहीं नहीं कुमार, आप मुझे इस तरह लज्जित ना करें। मैं पुनः एक प्रयास करके देखती हूँ, आप यही प्रतीक्षा कीजिए। माताश्री ने बिना अनुमति मेरे स्वयंवर के आयोजन का परामर्श देकर पिताश्री को दुखी कर दिया है। पिताश्री ये जानना चाहते हैं क्या मैं अपने स्वयंवर से प्रसन्न हूँ। मैं क्या कहूँ, माता पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। यदि सत्य कहा जाए तो मेरी इच्छा तो मेरे आराध्य भगवान नारायण की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि नारायण चाहेंगे तो हमें उनकी कृपा का संकेत अवश्य मिल जाएगा। यदि संकेत ना मिला तो ये मान लेना ही उचित है कि हमारे स्वयंवर का आयोजन ही ना हो। यदि नारायण की इच्छा है, किंतु परिस्थितियां इतनी विषम क्यों होती जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पड़ गई राजकुमारी? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुमने अपनी शैया का त्याग क्यों कर दिया? तुम्हारी चिंता तुम्हारे मुख पर स्पष्ट दिखाई पड़ रही है राजकुमारी देवहूति। मैं चिंतित नहीं, विचलित अवश्य हूँ। तुम जिसे विचलित कह रही हो उसे ही मैं चिंता कहती हूँ। तुम्हें तुम्हारे भगवान नारायण की इच्छा पर दृढ़ विश्वास है, उन्हीं की इच्छा का आधार लेकर तुमने अपना स्वयंवर स्थगित करने का अनुरोध किया था। मेरा विश्वास भगवान नारायण पर आज भी उतना ही दृढ़ है। तो फिर तुम विचलित क्यों हो? मैं भगवान नारायण की इच्छा को लेकर नहीं अपितु वर्तमान परिस्थितियों को लेकर विचलित हूँ। वर्तमान परिस्थिति? मुझे तो उसमें तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाराज की जानकारी के बिना मनु महल में कोई भी निर्णय हो। फिर क्या कारण हो सकता है कि मेरे स्वयंवर के आयोजन की सूचना ही महाराज तक नहीं पहुंची? कारण तो बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है कि ये सब भगवान नारायण की इच्छा से ही घट रहा हो। अर्थात का अर्थ सुनकर और विचलित ना हो जाना राजकुमारी। मुझे पहेलियों का खेल प्रिय नहीं है। जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहो। स्पष्ट तो सुनो राजकुमारी, राजकुमार प्रद्योत सेन का इतनी रात गए यहाँ पहुँचना भगवान नारायण की इच्छा का संकेत नहीं हो सकता? तुम्हें राजकुमार प्रद्योत सेन को एक बार भेंट का अवसर अवश्य देना होगा। नहीं, मैं बिना कारण किसी से भी भेंट करने के इच्छुक नहीं हूँ। परंतु राजकुमारी, राजकुमार प्रद्योत सेन से भेंट करने के पीछे एक कारण है। स्वयंवर स्थगित हो जाने के बाद भी उनका यहाँ आ पहुँचना भगवान नारायण की इच्छा का संकेत है राजकुमारी। परंतु इस किंतु परंतु में ऐसा ना हो जाए कि राजकुमार प्रद्योत सेन वापस लौट जाए। विलम्ब ना करो राजकुमारी, शीघ्र उनसे भेंट करो। यदि तुमने उनसे भेंट ना की तो भगवान नारायण की इच्छा का अपमान होगा,
जाओ राजकुमारी, शीघ्र जाओ। आप कहाँ जा रही थी राजकुमारी? कहीं नहीं। वसुंधरा, क्या राजकुमार प्रद्योत सिंह अतिथिशाला की ओर चले गए? नहीं राजकुमारी। तो क्या वे सौभद्र देश वापस लौट गए? नहीं, अभी तक तो नहीं लौटे हैं, किंतु शीघ्र ही लौट जाना चाहते हैं। उन्होंने आपसे कुछ क्षणों के लिए भेंट का आग्रह किया है, यदि आप। वसुंधरा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। दूर देश से आया हुआ अतिथि बिना सम्मान के वापस लौट जाए तो ये मनुकुल की परंपराओं का अपमान होगा। तो फिर आप एक बार भेंट कर लीजिए ना राजकुमारी। इस प्रकार भेंट करना क्या उचित होगा वसुंधरा? उचित तो नहीं है, क्यों ना हम लोग महाराज के पास चलें? नहीं नहीं, पिताश्री को इस समय कष्ट देना उचित नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? राजकुमार को भेंट का अवसर तो देना ही होगा। अतिथि के अनुरोध को स्वीकार किए बिना वापस लौटा देना अनुचित होगा। तुम उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जो आज्ञा राजकुमारी जी।